भाग भाग, जला के बैठो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फूटा एक दो तीन चार। देखो अभी हम तीनों के हाथ में एक एक कार्ड है। एक कार्ड क्या रोटी मंगवाया भाई तूने? हुआ शिवम मुझे यहाँ से नया फोन दिला रहा है, तो ये मेरे यहाँ तक कमर तक साले ऐसे गली गुची में खड़ा किया। जो भी हो रहा है वो देखो बस। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी मैं हूँ सूरत में और ये है मेरा दोस्त बचपन का यार, जो कि इसके पहले भी आपको एक बार वीडियो में नजर आया होगा। हम दोनों साथ में ही थे हॉस्टल में, देहरादून में, जिस हॉस्टल में भी देखा था तूने ना व्लॉग, स्कूल का वीडियो जो भी आपने देखा कुछ दिन पहले मैंने बनाया था। हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। ये जब मैं स्कूल में था तो ये मेरे यहाँ तक कमर तक आता था ये, और एक साल जूनियर था मेरे से। अब साला मेरे यहाँ तक आता है, मतलब अभी भी हाइट में तो एक दो इंच छोटा ही है, लेकिन वही बात है यार। कुछ भी अभी उतर के हाइट नापेंगे भाई, तू घबरा क्यों रहा है? और आज शिवम दो बार पंजे में हारा भी है। पंजे में हारा वारा नहीं हूँ भाई मैं, साक्षी में पीछे बैठा हुआ आदमी बोलेगा हमें। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखा ही नहीं है। नहीं तो अगर वो देखा होता तो यार यहाँ मैं होता भाई। तो ये है सूरत का बहुत बड़ा डॉन है ना भाई? सूरत का डॉन है, सूरत का चप्पा चप्पा जानता है ये लड़का। और जब हम लोग साथ में थे स्कूल में तो बहुत फन किया, लेकिन एवेंचुअली इस बंदे को चिकन पॉक्स हो गया, इसीलिए ये साला हॉस्टल छोड़ दिया। और इसके छोड़ने के 10-15 दिन बाद मैंने भी छोड़ दिया। ये होता है भाईचारा। हाँ कह ले ऐसा। और ये मेरा जूनियर था, तब हमारा ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन रहते सेम डोमेट्री में थे, सेम हॉस्टल में थे, इसलिए हमारा साथ में रहना ज्यादा होता था। सेम क्लास में नहीं थे, ये जूनियर था मेरे से। आज साला देखने से लगता है कि सीनियर हो। तो अभी हम लोग खा रहे हैं और पी रहे हैं सूप, और क्या है इसका तो नाम ही नहीं याद मुझे, रेमन। तो हम लोगों ने खा लिया भाई। ये बंदा मुझे बिल पे करने नहीं दे रहा है, नहीं पे करने दे रहा ना। शिवम मुझे यहाँ से नया फोन दिला रहा है, यहाँ फोन मिलता है। ये लड़का अभी बोल रहा है कि चलते हैं कहीं तो ऑथेंटिक पिज्जा खाने के लिए। अब चलते हैं और चल के खाते हैं पिज्जा, देखते हैं पिज्जा में ऐसा क्या अलग है जो डोमिनोज और पिज्जा हट में वो बात नहीं। सबसे अलग है ना डोमिनोज, पिज्जा हट से अलग है ना। पकते हुए देखेंगे क्या पिज्जा? नहीं चलो यार, वैसे भी जगह तो है, वैसे ऐसा जहाँ पिज्जा पकते हुए दिखे, बनते हुए छोड़ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेंगे। चलो अभी मैं चलाऊंगा थोड़ी देर बाद गाड़ी, एक घंटा हमको जिंदा रहना है यार। लेकिन तेरा गियर जो है समझ में नहीं आएगा, देख रहे हो भाई क्या गियर है? ये साला ट्रैक्टर वाला गियर है, वही है। अरे नहीं सच में नहीं समझ पाऊंगा मैं तो ये भाई, ये तो सच में गियर में समझ नहीं पाऊंगा, रहने दे मैं तो नहीं चलाऊंगा। देखा एक्सपीरियंस ही, कब से चला रहा है तू? काफी टाइम हो गया भाई। कितना साल बोल ना, साल बोल, 4-5 साल तो वही है। तब तो मेरे से ज्यादा चला रहा है, क्योंकि मैं 3-2.5 साल से चला रहा हूँ, 5 साल से चला रहा है। हालांकि साला है मेरे से छोटा, लेकिन काम बड़े बड़े करता है। क्या रोटी मंगवाया भाई तूने? हुआ ये पत्ता किस चीज का है? मूली का पत्ता है क्या? मुझ जैसे गांव के बंदे को खिलाएगा ना तो मैं यही बोलूंगा, मैं सच में पहली बार पिज्जा खा रहा हूँ। ये ऑथेंटिक पिज्जा पहली बार खा रहा है क्या? ऑथेंटिक पिज्जा, हाँ ये सही बोल रहा है, पिज्जा हट इन सब में खाया है। देखो अभी हम तीनों के हाथ में एक एक कार्ड है, एक कार्ड, दो कार्ड, ये तीसरा कार्ड। अब देखते हैं भैया कौन सा वाला कार्ड चूज करते हैं। ब्रो चूज वन। ये बाय द वे ऑल थ्री आर माइन। साला तीन कार्ड तीनों का हमारा, तीनों था मेरा ही, ये ब्लॉग में मत डालना। तो अभी हम लोग इस रोड पे हैं और यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं अंकल के साथ। अभी मेरा दोस्त भी मुझे यहीं पे लेके आया,
चल चल चला जा साले, ऐसे गली गुची में खड़ा किया कि यहाँ आऊंगा कैसे मैं। अच्छा था, काफी शानदार पिज्जा खाया अभी हम लोगों ने। बस पिज्जा में जो वो लीव था वो ही अच्छा नहीं था, बाकी पिज्जा अच्छा था। चलिए घुसते हैं अंदर। अभी वापस से निकल चुके हैं हम दूसरी सवारी पे। अभी रास्ते में कुछ कुछ काम है, देखते हैं क्या क्या करना होता है। अभी कुछ बोलूंगा नहीं, रीजन आपको पता है, बोलेंगे कुछ और हो कुछ और जाएगा, इससे अच्छा कुछ बोलो ना। जो भी हो रहा है वो देखो बस। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं टीवी लेने के लिए। एक टीवी हमको पसंद आ गया है, ये वाला टीवी, और बिलिंग भी करा लिया। अब हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे द वन एंड ओनली रजनीकांत सुपरस्टार का मूवी देखने के लिए। हम लोग आए हैं पटाखे की दुकान पे। क्या मस्त पटाखा मिल रहा है यहाँ पे, बहुत सारा मिल रहा है। अभी चलो चल के देखते हैं, कुछ समझ में आया तो लेंगे यहाँ से। भैया इसमें कितना पीस है, ये वाला रॉकेट में कितना पीस है? छोटा वाला तो इसमें 5 पीस है, देख रहे हो बड़ा वाला, ठीक है। और ये है 340 रुपीस का। भाई एक चीज तो है, हमारे यहाँ के मुकाबले 5 गुना महंगा है पटाखा, 5 गुना, और यहाँ पे 5 गुना सस्ता है। मतलब सोचो कोई चीज़ हमारे यहाँ अगर 500 का मिल रहा है तो यहाँ पे 100 का मिल रहा है। बहुत फ़र्क है यार बिहार में और मतलब गुजरात के प्राइस के कंपैरिजन में। चलो ठीक दे दो एक ये पैकेट दे दो। ये वाला जो पैकेट देख रहे हो इसमें ना 10 पीस है रॉकेट का, और ये है 160 का। पहुँच गए हम लोग घर पर और 1000 रुपये का पटाखा लिया है। अभी चलते हैं फोड़ने के लिए और दिखाते हैं आपको कि पटाखे का क्वालिटी कैसा है। सबसे बड़ा वाला ये रहा रॉकेट जो कि हम लोग लाए हैं 350 रुपये में। एक भी रुपया कम नहीं किया यार भैया ने, एक भी रुपया नहीं। ये बहुत बड़ा रॉकेट है यार, ये देखो भाई कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये। अब देखते हैं कि कितना खतरनाक है ये, डर लगता है मुझे यार। ये तो चीना लगा दिया यार, ये तो चीना लगा दिया। ऊपर से कर ऊपर कैसे कर रहा है, चूना लगा दिया। मुझे लगा था कि चूना लगा है हमको, चूना लग गया। छील क्यों रहा है यार? अरे हाँ चलना कोई बात नहीं, इसे फिलहाल जलाना उसको। अब चलो भाई इसकी बारी, अब देखते हैं ये कितना सही है। ये है सही रखा है ना यार, आप तो भाग भी नहीं पाओगे। हम क्यों भागे भाई देखते हैं ना तिया बना दिया यार, ये तो बेवकूफ बना दिया। बोल रहा है कि 7 बार ऊपर जाएगा, ये तो एक ही बार गया, फड़ 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 हो गया। उसका वाला है, क्रैकर वाला है ना ये तो। चलो सेवन स्टार, अब रॉकेट फोड़ते हैं वापस से। मैंने पहले ही अंकल को बोल दिया किसी घर में गए तो संभाल लेना, तो कह रहे हैं मैं तो तुमको आगे कर दूंगा साला। देखते हैं। अबे भाई तो यही कुछ नहीं हुआ है भाई। भाई ये तो खराब हो गया, ये देखो रॉकेट यहीं फट गया। ये तो रॉकेट यहीं फट गया यार, ये तो रिस्की है, ये तो बहुत रिस्की माल है। एक ही है घुस गया यार घर में, उनके टीन पे गिर गया। एक और बड़ा मार रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं भाई ये वाला धोखा दे रहा है कि ये इसका क्या हाल रह रहा है। अरे फोन में डर क्यों रहा, मैं यहीं खड़ा हूँ, यहीं हूँ भाई, मैं घबरा क्यों रहा है। भाई बोतल फट गया, अरे बाप रे बाप, अरे बाप, अरे बाप रे बाप। बोतल कैसे है? बोतल है कि नहीं? क्या
अरे बाप रे, शीशे का बोतल था फट गया आ गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, यहाँ के बम पे भरोसा ना हो पाएगा भाई का। इसको हटा, इसको मत पकड़ हाथ में भाई, नीचे रख, कभी भी फट सकता है ये। देखना जादू जादू जादू, धुआं नहीं निकल रहा। यार मान लो ये शीशे का बोतल फट जाता नीचे। यार जिसकी दुकान से लेके आया वहां केस करते हैं। चलिए चलो। ओ भगवान। सही था, मैं नजदीक नजदीक बोल बोल के दूर भाग गया था। चलो अब आपकी बारी, अब जलाओ, अब आप जलाओ। हम सब लोगों ने रिस्क ले लिया, अब आपकी बारी है। चलो 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 चलो, मैं ऐसे हाथ में लूंगा। ऐसे हाथ में जलाओ। चलो हाथ जला लोगे क्या? नहीं भाई, कम से कम 20 साल 25 साल के बाद जला रहा हूँ। सारा उसका तोड़ डाला क्या तुम लोगों ने? नहीं। अरे यार इधर मत घुसाओ यार, घुस जाएगा नहीं तो। हाँ उधर रखो बस, आराम से जला के वहीं बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जला के बैठो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फूटा चुपरे भाई, हाँ वहीं बैठो। अरे यार क्या थर्ड क्लास माल दे दिया यार, सब थर्ड क्लास माल दे दिया, सब घटिया माल दे दिया यार। धूप में तपाना पड़ेगा उसको। नहीं धूप में जलाओ या कुछ भी करो, खराब है। नहीं सब खराब माल दे दिया है। अंदर का वो निकल जाएगा ना? दोनों मार दे, ये तो आराम से जल जाएगा। हाँ इतना कांड हो गया। अब देखते हैं क्या कांड होता है। मैं नजदीक हूँ, तू घबरा मत। बुझ गया है। हाथ बहुत ऊपर गया है तो। ये थोड़ा सा काम का निकला। तो फिर ऊपर रखना था यहाँ। बस बस सील मत यार। हाँ ऊपर चला जा। ना ना रहने दे यार। हम लोग इधर भागेंगे ठीक। चल नहीं यार उस घर में घुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा यार। किधर गया बच्चे? ओ पटाखे के बीच में गिर गया वो चिंगारी। कांड हो जाएगा भाई। जब देख 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 कहाँ गिरा है रॉकेट, उठा उठा उठा। किधर गिरा है फिर? यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा है। ये देख यहाँ गिरा है रॉकेट। डरने को जो मैं यही हूँ, तू घबरा मत। ये क्या है? यही हूँ मैं। तो अभी देखो कितना रॉकेट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टोटल 5 रॉकेट है, और पांचों का 5 फोड़ेंगे अभी ठीक है। पांचों का 5 फोड़ देंगे। तुझे सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, तू डर मत, तेरे साथ खड़ा हूँ मैं ठीक है। चल जला, डर मत यार, हूँ मैं खड़ा यहीं पे, कुछ नहीं होगा। मैं खड़ा हूँ भाई ना यहीं पे। नहीं हक दिया। चल दूसरा भाग भाग। अरे भाग।
आओ भाई, एक रॉकेट दूसरे में घुस गया। अरे भाई, अरे बाप रे बाप, हट जाओ यार। एक रॉकेट दूसरे पे चढ़ के चला गया। चल चल, डर मत, मैं हूँ। अब भाई उठा ले, दो उठा ले हाथ में, दे मैं दो। एक काम कर, ये टूटा हुआ जो था वो छोड़, टूटा हुआ ये वाला हाँ ये निकाल। चल चल चल, दो दो दो। चल डर मत, मैं हूँ। तू घबरा क्यों रहा जब मैं खड़ा हूँ तो? बुझ गया यार, बुझुन गेला, जला मैं हूँ, उठ घबरा। अरे हाथ में मत उठा भाई, इतना भी रिस्क नहीं लेने का। भाई यही यही बैठ के देख रहे हो यार, ढीठ की तरह। चल चल, एक और एक और। इसमें क्या घबराने का, यू आर फंटुस। डर मत, खड़ा हूँ मैं यही, आराम से जला, खड़ा हूँ यार। ये लड़का मान नहीं रहा, ये बड़ा वाला फिर से फोड़ रहा है। अब देखते हैं बड़े वाले का क्या अपडेट रहता है। मैंने ही चलाया था, खराब हो गया था, अब देखते हैं इसका क्या होता है। देखा, ये भी खराब, बोतल फूट गया भाई, शायद नहीं फूटा, नजदीक जाके देख, गिर गया। सुना नहीं, बोतल नहीं छूना, देखा यार। मेरा हाथ ही अशुभ है यार, इसके पहले मैंने फोड़ा वो बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया यार। मैं आपको ये अशुभ बोल रहा है, मैं बॉम्ब के मामले में मैं ठीक नहीं हूँ, या फिर ये बॉम्ब खराब है। यही रहेंगे केवल, भाग मत यार, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, तू भाग रहा है। तो सारा पटाखा हम लोगों ने रख दिया है, अभी 12 बज चुका है, 12:02 हो रहे रात का। तो अभी चलते हैं, आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। हमारा ये बमबारी आपको कैसा लगा बता देना, बाकी चलते हैं आपसे दोबारा एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो था, ये थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।